लेकिन सीधा चलते हैं रजत के पास और जान लेते हैं एफएनओ बाजार का ताजा एक्शन। बताइए रजत। बिल्कुल, तेजी की पोजीशन ज्यादा बनी है, थोड़ा सरेंडर जरूर किया ऊपरी स्तरों पर आज के सत्र में, लेकिन अभी तक कोई इतना बड़ा सेल ट्रिगर नहीं हुआ है, कोई ऐसा कोई ट्रिगर नहीं मिला जिससे हम कह सकें कि ऊपरी स्तरों पर पोजीशन जो है वो नेगेटिव पड़ी है मार्केट पे। इनफैक्ट आज भी 7574 और 7300 की जो स्ट्राइक्स हैं पुट साइड पे, वहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा खड़ा हुआ और प्रीमियम्स वहां पर गिरे हैं, यानी कि तेजी की तरफ पोजीशंस अभी तक के ट्रेडिंग के पैटर्न के हिसाब से ज्यादा हैं। और जो स्टॉक्स आज चल रहे हैं उसमें इंडोकॉन्ट, सन टीवी, आईसीआईसीआई बैंक, वोकहार्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएनओ की टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं। बहुत नेगेटिव प्ले हो रहा है तो बहुत लिमिटेड, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, जेपी एसोसिएट्स और जेट एयरवेज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स का बायस आज नेगेटिव है। एसएमसी ग्लोबल ये मानता है सीएट खरीदें, यहां पर 1050 का एक स्टॉप लॉस रखे स्पॉट के हिसाब से, 1120 तक के टारगेट्स के लिए एक सीएट पे अप्रोच पॉजिटिव कर सकते हैं और कोलगेट एफएमसीजी पैक में चढ़ सकता है 860 के टारगेट के लिए और 820 का स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगाना होगा, दोनों पिक्स पॉजिटिव हैं। जी शुक्रिया रजत आपका। तो एसएमसी ग्लोबल की एफएनओ पिक्स आपने देखी, कोलगेट पर बेट करें, इसके अलावा वॉकहार्ट जैसे स्टॉक्स में भी अच्छा रिफ्लेक्शन आज के सेशन में बना हुआ है। चलिए कॉलर सी क्वेरीज भी लेंगे, लेकिन एक बार फटाफट से मनीष के पास चलते हैं और उनसे सुपर हिट शेयर्स जान लेते हैं। हर रोज सुबह 7:30 से 8 के दौरान मनीष और उनके सहयोगी कुछ चुनिंदा कॉल्स बताते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही अब तक ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हर रोज आप 7:30 से 8 के दौरान फास्ट मनी देखें। बताइए मनीष, जो स्टॉक्स आपने बताया कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी तक? धन्यवाद दीपाली। कई सारे स्टॉक्स है जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। वोल्टास आज के तौर पर आज मैंने बतौर पहला शेयर उतारा था, एक अच्छी रैली की उम्मीद मैंने जताई थी और इसने आसानी से टारगेट को हिट किया। एक समय ये टारगेट के बेहद ऊपर ट्रेड करा था। एफएनओ के जो टॉप गेनर कुछ स्टॉक्स है उसमें वोल्टास शामिल होता हुआ दिखा। इसके अलावा आरती इंडस्ट्री में मेरी तरफ से खरीदारी करने सलाह दी गई थी, 490 रुपये का मैंने लक्ष्य बताया था, इसने आराम से खुला, उसके बाद में हमने देखा कि शेयर ने टारगेट को हासिल किया, अभी भी लक्ष्य के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दीवान हाउसिंग फाइनेंस पर मेरी तरफ से खरीदारी करने सलाह दी गई थी 186 रुपये के लक्ष्य के साथ और इस शेयर ने भी जो है आज के में टारगेट को हिट किया, अभी भी थोड़ी मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक से बात करें जिस पे नैको संदीप ने खरीदारी करने सलाह दी थी, इंटरेस्टिंग प्ले था, उन्होंने 39.60 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने सलाह दी थी, टारगेट अचीव हुआ, अभी भी टारगेट के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रही है। तमाम शेयर वैसे हैं जो 7:30 बजे मार्केट खुलने के करीब एक घंटे पहले बताए गए थे। वेदांता में खरीदारी करने की संदीप की तरफ सलाह दी गई, शेयर में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, शुरुआती कारोबार में शेयर ने टारगेट को हिट किया, अभी भी जो है कहीं ना कहीं मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कुछ एक और स्टॉक्स की बात करें जहां पे आज बॉम्बे एक ऐसा शेयर है जो तेज टारगेट तो अचीव नहीं किया लेकिन अभी भी एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट मेरी तरफ से खरीदारी करने सलाह दी गई थी, आज के लिए बतौर रिपेयर शेयर उतारा था मैंने, देखिए ये शेयर भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, तेजी बरकरार है, बड़े लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की मेरी तरफ सलाह दी गई थी। और आखिरी स्टॉक जो होगा डेल्टा कॉर्प का, इस पर संदीप ने खरीदारी करने सलाह दी थी, इस शेयर में भी आज एक मजबूत उछाल देखने को मिला, उन्होंने लक्ष्य काफी बड़ा दिया है और अभी भी देखिए शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो दीपाली ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो मार्केट खुलने करीब एक डेढ़ घंटे पहले बताए गए थे और जिसमें ये उम्मीद जताई गई थी इन तमाम शेयरों में आज इंट्राडे में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और कमोबेश वैसी ही तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरे ही अपडेट के लिए।